नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या फिर बच्चों के प्रोजेक्ट में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें ऑड नंबर में फंदे चाहिए, यानी कि जो दो से ना कटते हों। जब हम फंदों को दो दो करके गिनें तो लास्ट में एक फंदा बचना चाहिए। तो हम बॉर्डर बनाने के बाद अपने प्राइमरी कलर से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। पहली लाइन में अपने प्राइमरी कलर के वूल से हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। और दूसरी लाइन में सभी फंदों को उल्टा। तीसरी लाइन हम अपने सेकेंडरी कलर के वूल से बुनेंगे और पहले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और दूसरे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। तीसरे फंदे को सीधा, चौथे फंदे को स्लिप कर लेंगे। एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे और दूसरे अगले फंदे को हम ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे। इसे हमें बुनना नहीं है, इसे स्लिप कर लेना है और नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अगले फंदे को हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। एक फंदे को हमें सीधा बुनना है, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करना है। अब लास्ट फंदा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिजाइन का चौथा लाइन है। तो चौथे लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को और बुने हुए फंदे को, सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। चौथी लाइन में हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब फिर हम अपने प्राइमरी कलर के वूल से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। प्राइमरी कलर से जब हम बुन रहे हैं तो हम कोई डिजाइन नहीं डालना है, उसमें हम बस सामने से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बुन रहे हैं। रॉन्ग साइड से हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। हमने अपने प्राइमरी कलर से दो लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हम फिर सामने की तरफ हैं और अपने सेकेंडरी कलर के वूल से हम बुनेंगे। तो इस लाइन में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब कि हम पहले वाले फंदे को स्लिप करेंगे और दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, यानी हमने जो ये लाइन बुना है इसके अपोजिट हम बुनेंगे।
जिसको हमने बुना था उसे स्लिप करेंगे और जिसे स्लिप किया था उसे हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए इस फंदे को हमने बुना था तो इसे हम स्लिप करेंगे और इसे स्लिप किया था तो इसे हम सीधा बुनेंगे। जो ये हमारा सेकेंडरी कलर का ये डिज़ाइन दिख रहा है इसके ऊपर वाला फंदा हम स्लिप करेंगे और देखिए अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए सेकेंडरी कलर वाला फंदा है तो इसे हमें स्लिप करना है, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनना है। यहाँ डिज़ाइन पड़ा था इसे हमें स्लिप करना है ऐसे पर्ल वाइज, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनना है। स्लिप करना है सीधा बुनना है, स्लिप करना है सीधा बुनना है। तीसरी लाइन में जिस फंदे को बुना था उसे हमें स्लिप करना है और जिसे स्लिप किया था उसे हमें बुनना है और रॉन्ग साइड से सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। बुने हुए फंदे को भी और स्लिप किए हुए फंदे को, दोनों फंदों को हमें स्लिप करना बुनना है, सीधा बुनना है, यानी कि सभी फंदों को हमें सीधा बुन लेना है। ये हमारे डिज़ाइन का आठवां लाइन है और हमने सभी फंदों को सेकेंडरी कलर के वूल से सीधा बुन लिया। अब इन्हीं आठों लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है, यानी कि अब हम अपने प्राइमरी कलर के वूल से दो लाइन बुनेंगे। पहली लाइन में सभी फंदे सीधे और दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे। ग्यारहवां लाइन फिर हम अपने तीसरे लाइन की तरह बुनेंगे, यानी सेकेंडरी कलर के ऊन से पहला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है। तो इन्हीं दोनों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। एक फंदा सीधा बुना, अगले फंदे को स्लिप किया, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर स्लिप, फिर सीधा, फिर स्लिप, फिर सीधा, फिर स्लिप। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे। तो देखिए फ्रेंड्स डिजाइन बनके तैयार है। बेसिकली ये एक ही लाइन का डिजाइन है। देखिए छोटी छोटी बूटी का खूबसूरत सा डिजाइन, बनाना बहुत ही आसान, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपको कैसा लगा बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।